हाँ भैया, खैर तो थी आपने मुझे बुलवाया। हाँ खैरियत थी, वो मैं सोच रहा था कि जो रावलपिंडी में हमारे दो प्लाट है ना, तो वो सामने वाला जो रोड के ऊपर है वो मैं ले लेता हूँ। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला है वो मैं ले लूँ? हाँ वो आप ले लें, वैसे भी हमारे अब्बू की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, वो हम दोनों में तकसीम हो जाएगी। ओ भाई, आप इतने समझदार ना बने ना। आप जो रोड वाला प्लाट है वो आप ले रहे हैं और जो साइड पे है वो मुझे दे रहे हैं, ये क्या? नहीं मैं ज्यादती नहीं कर रहा, मैं बड़ा हूँ, मेरा तकसीम का हक बनता है। मैं चाहता हूँ कि हम आपस में ना लड़े और बाद में हमारी फैमिलीज ना लड़े। नहीं आप बड़े तो हैं, उसका ये मकसद तो नहीं जो हर कीमती चीज है वो आप ले लें और जिसकी कीमत कम है वो मुझे दे दें। ओ यार बेटे, मैंने आपकी भी गुफ्तगू सुनी है और बेटे मैंने आपकी भी गुफ्तगू सुनी है। मुझे ये सुनकर बहुत ही हैरत हुई है कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, कभी भी मौत का फरिश्ता आ सकता है। मेरी बात सुने, इत्तफाक में बरकत है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। रजा बेटा आप मेरी बात सुने, टेबल पर दो बिस्कुट पड़े हैं वो ले आए और दो छड़ियां ढूंढ कर लाए। ठीक है बाबा जी, मैं ले आता हूँ। ये ले बाबा जी, बैठ जाए बेटा। ये क्यों मंगवाया है बाबा जी, इनकी क्या जरूरत है? बेटे घबराने की जरूरत नहीं है। बेटे आप जाकर अपने दाएं बाजू पे ये बांध के लाए और आप भी आप आए फिर मैं आपको बताता हूँ। बांध लिए बाबा जी। ठीक है बेटे बैठे, आप मेरी एक बात सुने, ये एक आप लें और ये एक आप लें और खाएं। अच्छा बाबा जी। बाबा बहुत मुश्किल हो रही है खाने में। बेटे ऐसा करें आप एक दूसरे को खिलाएं। हाँ बेटे मेरी बात की कोई समझ आ रही है? नहीं बाबा जी हमें कोई समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको यही समझा रहा था कि बेटे आप अकेले कुछ नहीं है, बेटे आप अकेले कुछ नहीं है, आपको चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। मेरे समझाने का यही मकसद था बेटे कि आप पे कोई मुसीबत आ जाए, आप पे कोई बीमारी आ जाए, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, कभी भी मौत का फरिश्ता आ सकता है। बेटे आप ये सोचें कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप खा नहीं सकते, आप इत्तफाक में होंगे, आप बरकत में होंगे तो आप एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और मदद करने से जिंदगी गुजर जाती है। आप भाई हैं, ये सोचें, आप मेरी बात सुने। बेटे आप मत लड़ा करें, आप मत लड़ा करें, इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम हमें यही दर्द देता है कि इत्तफाक में रहो, इत्तफाक में रहो, इत्तफाक में बरकत है मेरे बेटे, इत्तफाक में बरकत है, इत्तफाक में बरकत।